हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. टुडे वी गोइंग टू रीड अबाउट अवर इंग्लिश बुक ऑफ क्लास फिफ्थ चैप्टर 10. आज हम चैप्टर 10 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. हमने फर्स्ट पार्ट में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में अबाउट टोबेकोस के बारे में पढ़ा है कि किस तरह रिंकूस के फादर की डेड हुई थी और उसका कारण क्या था. तो आइए अब हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे. रवि कहता है, मैम देयर आर मैनी चिल्ड्रंस एमंग अस हु च्यू गुटका हु च्यू टोबेको एंड गुटका और पेरेंट ऑल्सो डू इट. मैम यहाँ पर कई बच्चे जो कि गुटखा चबाते हैं और तंबाकू टोबेको और गुटखा चबाते हैं. आवर पेरेंट्स ऑल्सो डू दैट, यानी हमारे पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं. टीचर कहते हैं, दैट्स अलार्मिंग माय डियर चिल्ड्रन. दैट अलार्मिंग माय डियर चिल्ड्रंस, उनको चेतावनी दो. लुक एट द पाउच, यानी गुट्स का देखो. कोई भी गुटके का जो पाउच आप देखते हो, यू विल फाइंड अ वार्निंग प्रिंट ऑन इट, उस पर वार्निंग दी हुई होती है. तो शिवम कहता है, यस मैम आई हैव ऑल्सो सीन अ वार्निंग ऑफ माई फादर सिगरेट पैक. मैंने भी देखा है मेरे फादर के सिगरेट के पैक पर. वार्निंग देखी, यानी चेतावनी देखी है. टीचर कहते हैं, यस हाउ एवर इज इन स्पाइट ऑफ वार्निंग पीपल यूज दिस हार्मफुल थिंग्स. इसके मतलब वार्निंग देने के बावजूद भी लोग उसका हार्मफुल थिंग्स का उपयोग करते हैं. दिस वे, इस तरीके से. दे ऑल्सो फॉलोइंग पाथ ऑफ रिंकूस फादर. आप देख सकते हो कि उस रिंकू के फादर ने इसको फॉलो किया है. इस पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. शिवम हैड सीन द वार्निंग. शिवम ने वो क्या, कहाँ पर वार्निंग देखी थी? सिगरेट के पैक पर. व्हाट डू मैनी चिल्ड्रंस अमंग देम डू? च्यू टोबेको एंड गुटका. व्हाट इज प्रिंटेड ऑन द पाउच ऑफ गुटका? अ वार्निंग इज प्रिंटेड ऑन द पाउच ऑफ गुटका. व्हाट डज रवि टेल? रवि टेल्स दैट मैनी चिल्ड्रन देयर पेरेंट्स च्यू गुटका एंड टोबेको. व्हाट डू पीपल इन द स्पाइट ऑफ वार्निंग? इन स्पाइट ऑफ वार्निंग पीपल यूज दिस हार्मफुल थिंग्स. इन विच इज गुटका पैक्ड? गुटका इज पैक्ड इन पाउच. व्हाट इज अलार्मिंग? द फैक्ट ऑफ सो मनी मैनी चिल्ड्रंस चीविंग गुटका इज अलार्मिंग. यहाँ पर फोर्थ पैराग्राफ दिया हुआ है. सीमा कहती है, मैम आई विल स्टॉप चीविंग गुटका. मैं भी बंद कर दूंगी गुटका चबाना. आई डोंट वॉन्ट कैंसर. मैं कैंसर नहीं चाहती हूँ. आई विल नेवर यूज इट अगेन. और मैं यहाँ पर प्रे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ या प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं इसको कभी भी यूज़ नहीं करूँगी. टीचर कहता है, एंड वॉट अबाउट अदर? और दूसरों को भी, और जो तुम दूसरों को भी बता सकती हो. ऑल, सभी कहते हैं, मैम वी टू अंडरस्टैंड. हम समझ गए. वी प्लेज नेवर टू चीव गुटका. हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी भी गुटका नहीं चबाएंगे एंड टोबेको नहीं चबाएंगे दोबारा. वी विल ऑल्सो टेल द मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली. और हम हमारे परिवार के सदस्यों को भी बताएंगे एंड नाइबर्स पड़ोसी को भी बताएंगे अबाउट द इविल इफेक्ट्स ऑफ च्यूइंग गुटका, यानी कि इसके बुरे प्रभाव के बारे में. एंड स्मोकिंग के बारे में. विल रिक्वेस्ट देम गिव अप द बैड हैबिट्स. और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बुरी आदत को छोड़ दे. कौन सी बुरी आदत? गुटका चबाने की या तंबाकू चबाने की या स्मोकिंग करने की. सो इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं. आइए हम रीड कर लेते हैं. इट इज़ बैड टू च्यू. क्या है? च्यूइंग गुटका. हु प्लेज नेवर द च्यू गुटका एंड टोबेको अगेंस्ट ऑल चिल्ड्रंस. व्हाट डज सीमा से? सीमा से दैट शी विल स्टॉप च्यूइंग गुटका. व्हाट डज ही शी से? नो, शी से नो बिकॉज शी डज नॉट वॉन्ट टू सफर फ्रॉम कैंसर. What do people use? Gutka and cigarettes. Name the bad habits written in the passage. Chewing gutka and smoking. What will children request their family members? Children's request. Will request. तो ये हमारा इस तरह से
ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर से हमने ये सीख मिलती है कि हमें बुरी आदतों से बचना चाहिए। ये जो मार्केट में गुटखा, टोबैको, सिगरेट्स, इनसे हमें बचना चाहिए क्योंकि यह हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। और हमें हमारे परिवार के सदस्यों और हमारे पड़ोसियों को इसको खाने से रोकना चाहिए और इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए कि यह किस तरह से हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। सो यह चैप्टर हमें कुछ न कुछ सीख देता है, यह आपको समझ में भी आ गया होगा। सो थैंक यू।